नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। हाईटेंशन तार की चपेट में आने से युवक की मौत। छत के ऊपर से गुजर रहे हाईटेंशन तार की चपेट में आया युवक। उभा थाना अंतर्गत बहुता चक उपाध्याय निवासी दीपक यादव 40 वर्ष छत के ऊपर कर रहा था साफ सफाई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खबर जनपद बलिया से। उभा थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है। घटना के संबंध में उभा थाना पर पहुंचे ग्रामीणों ने पूरी जानकारी दी। बताया युवक छत की साफ सफाई कर रहे थे। मैं राजकुमार यादव, ग्राम प्रधान बहुता। आपके गांव में कोई घटना हुई है? जी। क्या है? बिजली की चपेट में आने से दीपक यादव की मौत हो गई है। कहाँ थे उस समय? जब छत पे अपना काम कर रहे थे, वही नजदीक था एलान के भी, उसमें अचानक सट गए तो मौके पर उनका डेट हो गया। तो कितनी उम्र रही होगी? 45-46 होगा। कार नजदीक था क्या? बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत नजदीक था। इसके पहले क्या कभी आप लोगों ने सूचना नहीं दिया बिजली विभाग को भी? ये थोड़ा सा नीचे है, स्कूल पर जाना चाहिए, कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। कई बार दिया जा चुका है। आपके यहाँ जेई कौन है? जेई हम लोग के यहाँ है सदाम हुसैन। आपको बता दें कि बहुता चक उपाध्याय गांव में पूर्वाहन लगभग 11 बजे नवनिर्मित भवन के छत के ऊपर से गुजर रहे हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 40 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही उभाव पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बहुता चक उपाध्याय गाँव निवासी दीपक यादव 45 वर्ष, पुत्र सूर्यभान यादव, अपने नवनिर्मित भवन के छत पर साफ सफाई कर रहे थे। इसी बीच दीपक छत के ऊपर से गुजर रहे हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलसने के बाद छत से नीचे गिर गया, जिससे घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही उभाव पुलिस मौके पर पहुंचकर कागजी कार्रवाई के बाद युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृत युवक का एक 15 वर्ष और एक 13 वर्ष के दो लड़के हैं। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ।